हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को लेकर के, एक क्वेश्चन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से भी पूछा जाता है। अगर आप डेटाबेस पढ़ते हैं, अगर आप ओ लेवल करते हैं या इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट कोर्स करते हैं या फिर BCA या MCA भी करते हैं, तो उस कंडीशन में अगर डेटाबेस आपको पढ़ाया जा रहा है, SQL पढ़ाया जा रहा है, तो आपसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का सवाल पूछा जाता है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, आइए समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन किया है, एक नया टेबल मैंने ले लिया है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट और फिर यहां पर स्टूडेंट की आईडी कर देते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर कर देते हैं। तो ये लिखा मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहां पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जो भी होगा, ठीक है। आप ऑटो नंबर को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, फिलहाल इसको हम रख लेते हैं टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट। अब इसके बाद यहां पर क्या करेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट दे देंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहां पर आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट। अब ये नेम ऑफ स्टूडेंट आप यहां से ड्रॉपडाउन भी जाके बना सकते हैं, अगर आप ड्रॉपडाउन बनाना चाहें तो। ये लुकअप विजार्ड है, यहां पर जाइएगा, आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे चले जाइएगा और यहां पर स्टूडेंट्स के नाम लिख दीजिएगा जो भी है, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे नाम लिख देता हूं यहां पर, तो ये एग्जांपल के लिए कुछ नाम मैंने लिख दिया, कुछ स्टूडेंट के नाम मैंने लिख दिया और यहां से नेक्स्ट पर क्लिक करके फिर यहां से फिनिश पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये स्टूडेंट के नाम ड्रॉप डाउन में आएंगे आपके, ठीक है। अब यहां पर क्लास कर देता हूं, क्लास CLASS क्लास कर दिया, क्लास को भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रख लेते हैं और यहां से आप व्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखेंगे यहां पर ये कुछ तरीके से आ जाएगा, आ गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, कुछ रिकॉर्ड्स को फिल कर लेना है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी को, रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने प्राइमरी की बनाया था, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ S12345, ये पहला रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ड्रॉपडाउन अपने आप दिख रहा है, तो यहाँ से ड्रॉपडाउन से चूज कर लीजिए जो भी है, ठीक है। यहां पर आते हैं तो यहाँ पे क्लास की बात करेंगे, तो क्लास 12th की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया क्लास 12th, हो गया। अब फिर नीचे आइए, अब फिर यहाँ पर कुछ और रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए जो भी देना है, ये दे दिया। फिर यहां पर दूसरा जो नाम आएगा वो आएगा, यहां पे आ गया। फिर यहां पर जो है आपका क्लास 12th कर देते हैं, या जो भी क्लास आपका रिलेटेड हो वही क्लास आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये कर दिया और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम और क्लास। तो सब कुछ ये लिख लेने के बाद अब हमें दूसरी टेबल बनानी है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को समझना है तो दूसरी टेबल तो बनानी पड़ेगी। तो यहां से इसको क्लोज कर देते हैं और अब आ जाते हैं क्रिएट पर और यहां से टेबल पे जाके दूसरा टेबल भी बना लेते हैं। फिर व्यू पे क्लिक करेंगे, टेबल टू, एक का नाम टेबल वन है, एक का नाम टेबल टू है, ठीक है। यहां पर कर देते हैं रोल नंबर को प्राइमरी की, ध्यान रखिएगा यहां पर रोल नंबर को प्राइमरी की बना रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे ऑटो नंबर ही रख देता हूं और यहां पर आते हैं, यहां पर क्या करना है, यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर था ना, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ फॉरेन की बनाया मैंने, ध्यान दीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फॉरेन की बनाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रख रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और भी डिटेल हो स्टूडेंट की तो वो भी एंटर करवा सकते हैं, ये लिख दिया फादर्स और फिर नेम, तो स्टूडेंट का फादर्स नेम यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे रोल नंबर आएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि ऑटो नंबर ले रखा है हमने। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वही नंबर डालना है जो टेबल वन में आपने डाला था, तो ये जो नंबर है इसी नंबर को आपको डालना है। तो यहां से इसको मैं कॉपी करता हूँ और फिर इसी चीज को यहाँ टेबल टू में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पेस्ट किया और यहाँ पे फादर्स नेम आएगा, तो यहाँ पे कुछ कर देता हूँ इस तरीके से, राजेंद्र कुमार कुछ इस तरीके से, कुछ एग्जांपल के लिए नाम मैं यहाँ पे एंटर करवा देता हूँ, चंद्रा ये डाल दिया। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर मनोज सिंह कुछ इस तरीके से, आगे मुजम्मिल ये डाल दिया हमने, यहाँ पे स्लैश आ गया, इसको हटा देते हैं। तो ये हमारे पास दोनों टेबल तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं दोनों टेबल हमने कैसे कैसे तैयार किया, ठीक है। आप दोनों को ऑफ कर देना है, यहां से ऑफ कर दीजिए, ठीक है। दोनों ही में देख सकते हैं रिकॉर्ड्स रजिस्ट्रेशन नंबर तो कॉमन है, ठीक है, लेकिन मेन टेबल आपकी टेबल वन है रजिस्ट्रेशन नंबर वाली, ध्यान दीजिएगा रोल नंबर वाली मेन टेबल टू है और रजिस्ट्रेशन नंबर जो की पहली टेबल है वो टेबल वन है, ठीक है। अब हमें चलना है डेटाबेस टूल्स पर, जैसे ही आते हैं तो आपको दो टेबल्स दिखाई देंगे, अब यहां क्या करना है टेबल वन को लेके आ जाइए और टेबल टू को लेके आ जाइए, ठीक है। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्रिएट कराने से फायदा क्या होगा, देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, इसको लाके रजिस्ट्रेशन नंबर के ठीक सामने लाके रख दीजिए, तो यहां पर लिखा हुआ है इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है।
इस पे हमने टिक किया, केवल रेफरेंशियल एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे टिक कर दिया। आप चाहे तो कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स पे भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कर देंगे तो क्या फायदा होगा, देखिए अभी तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात कर लेते हैं। तो ये यहां पर देखिए ये कह रहा है कोटला, यहां पर एक टेबल ओपन है पहले से टेबल 1, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हो पा रही है। तो यहां पर इसको सबको ओके करके आप देखिए ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। अब इसका फायदा क्या है, देखिए टेबल 1 में जाते हैं, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर 35 है और यहां 88 है, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करता हूं, ये डिलीट किया, ये डिलीट कर दिया हमने। अभी हम आते हैं वापस से यहां टेबल 2 पर, तो ये टेबल 2 पे आएंगे तो टेबल 2 का भी रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। देख सकते हैं आप टेबल 2 में ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो गया, जो डिलीट हुआ था रिकॉर्ड वो टेबल 2 में भी अपडेट हो गया, देख सकते हैं कि नहीं। दूसरा तो फायदा आपको मैंने बता ही दिया था कि यहां पर अगर आते हैं टेबल 1 में, तो टेबल 1 में आपको यहां प्लस का साइन दिखेगा और यहां पे क्लिक करने से पूरा का पूरा रिकॉर्ड पता चल जाता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर ये, जिनका नाम ये है, उनके फादर का नाम क्या है, उनका रोल नंबर क्या है, सारी चीजें पता चल जाती है, उनका क्लास क्या है, सब कुछ पता चल जाता है। ये तो फायदा है ही है, लेकिन ऑटोमेटिकली वहां से भी वो डिलीट हो जाता है। इस क्वालिटी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के इस जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आई बात समझ में?